इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर माया नगरी मुंबई से, जो आज एक बार फिर पानी पानी हो गई। कल रात से ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही। बारिश की वजह से शहरों में कई जगह पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान जताया था और इसी अनुमान के मुताबिक कल रात से मुंबई में बिजली कड़कने के साथ ही जोरदार बारिश हो रही। साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई सहित वेस्टर्न और ईस्टर्न सबर्ब में लगातार हो रही बारिश से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश इतनी ज्यादा हो रही कि सड़क का जमा पानी घरों में घुसने लगा। गांधीवली के कई घरों में सड़क का पानी घुस गया, जिससे लोगों को पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ी। तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, रात से ही ये बारिश चल रही है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, और ये बारिश जोरदार है। बारिश की वजह से कई जगह पर जलजमाव हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया था और इसी के मुताबिक कल रात से मुंबई में बिजली कड़कने के साथ ही जोरदार बारिश हो रही है। अलग अलग जगहों से मुंबई के तस्वीरें आ रही हैं। साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई सहित वेस्टर्न और ईस्टर्न सबर्ब में लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की स्थिति है। जगह जगह पानी भर गया। बारिश इतनी ज़्यादा है कि सड़क का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कांदीवली में कई लोगों को जाग कर रात गुजारनी पड़ी। ये तस्वीर देखिए कैसे घर के अंदर पानी घुस गया है और ये हाल कई घरों का है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ये पानी अब लोगों के घरों के अंदर भी जा रहा है। ये देखिए गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियां डूबी हुई हैं। हालांकि रात का वक्त था जब ये तेज बारिश शुरू हुई, इसीलिए अभी ट्रैफिक की किसी समस्या की खबर नहीं है। और आज संडे है, रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो मुंबई वालों के लिए एक राहत की बात हो सकती है कि उन्हें ऑफिस नहीं जाना है, कम लोग बाहर निकलेंगे। मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से हिंदवाड़ा, सायन किंग सर्कल, कुर्ला जैसे निचले इलाके की सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की तरफ से पंपिंग मशीन से लगातार पानी निकालने की कोशिशें हो रही। हिंदमाता में सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से 15 से 20 गाड़ियों में पानी घुस गया और गाड़ियां बंद हो गईं। कल रात अपने अपने काम से लौटने वाले और नाइट ड्यूटी पर जाने वालों को काफ़ी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने मुंबई समेत आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के येलो अलर्ट जारी किया, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही उससे लगता है कि जल्द ही ये ऑरेंज या रेड अलर्ट में तब्दील हो सकता है। बारिश के बीच समंदर में करीब 3.5 मीटर का हाई टाइड आने का भी अनुमान जताया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।